सर्वप्रथम मैं बात करूंगा, चूंकि तीन चरणों में परीक्षा होती है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। तो सर्वप्रथम मैं प्रीलिम्स के लिए बात करूंगा। तो जब मैंने अध्ययन की शुरुआत की और जब एग्ज़ाम से रिलेटेड जब मैं इस फील्ड में आया, तो सर्वप्रथम मैंने एनसीईआरटी, जो कि चूंकि मैं हिंदी माध्यम हूँ, तो मैंने सारे विषयों की जो एनसीईआरटी बुक्स थी वो मैंने ख़रीद ली। और जैसे कि इतिहास है, भूगोल है और अर्थव्यवस्था है, विज्ञान है। तो पहले एनसीईआरटी से मैंने एक ज्ञान जो मेरा एक बिखरा हुआ था उसको एक व्यवस्थित किया पहले। और उसके बाद फिर मैंने, चूंकि मैं जॉब करता था और मैं पिछले 10 वर्ष से लगभग जॉब कर रहा हूँ, पहले मैं भारतीय स्टेट बैंक शाखा सलेहा डिस्ट्रिक्ट पन्ना में पोस्टेड रहा हूँ लगभग 3 वर्ष, और फिर उसके बाद मैं अभी जो है कार्यालय महालेखाकार लेखा परिषद होती है भोपाल मध्य प्रदेश में, मैं एज एन असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के पद पर कार्यरत हूँ। तो मेरे पास एक समय का एक अभाव था, एक यूँ कहें कि जागृत अवस्था का एक काफ़ी बड़ा, एक जो बड़ा समय है सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे तक का, मैं अपने दफ्तर में अपने सहकर्मियों के साथ व्यतीत करता था। और उसके बाद जो एक समय है उसमें मैनेजमेंट मुझे करना था। तो मैंने स्ट्रेटजी ये रखी कि कम से कम पढ़ा जाए, बेहतर पढ़ा जाए और उसको बार बार पढ़ा जाए। जहाँ तक मुझे लगता है कि जैसे कि हमने कई परीक्षार्थियों को देखा है कि बहुत सारा मटेरियल मार्केट से उठा लाते हैं घर में और एक ही पता चला, एक ही विषय की बहुत सारी बुक्स हैं। तो मैंने इस स्ट्रेटजी को बिल्कुल भी नहीं अपनाया, क्योंकि मेरे पास समय का भी अभाव था या मेरी यूँ कहें वो एक मजबूरी थी। और दूसरा, मैंने उसी मजबूरी में एक अपना अवसर ये खोजा कि मैं कम से कम पढ़ूंगा, बेहतर पढ़ूंगा और जो भी बुक पढ़ूंगा उसको बार बार पढ़ूंगा। यूपी लोक सेवा आयोग में नौकरी पाने का सुनहरा अवसर, पढ़े भारत के टॉप एजुकेटर्स के साथ और पाए कंप्लीट स्टडी मटेरियल एक ही ऐप पर, डाउनलोड एंट्री नाउ। तो सर्वप्रथम मैं जीएस की बात करूं तो एनसीईआरटी से शुरुआत करते हुए कुछ बुक्स मैं बता रहा हूं जो कि मैंने पढ़ी हैं। सबसे पहले इतिहास में एस के पांडे, जो कि हिंदी माध्यम के लिए अच्छी बुक्स हैं और मैंने उनको पढ़ा है। और भूगोल के लिए एक बुक है महेश बर्णवाल, तो और पॉलिटी यानी कि राजव्यवस्था के लिए लक्ष्मीकांत राइटर हैं, उनकी बुक है। और इसके बाद जैसे पर्यावरण है तो इसके लिए इराक भरूचा एक राइटर हैं, ब्लैक स्वान पब्लिकेशन की बुक है। इसके बाद जैसे अर्थव्यवस्था है तो उसमें मैंने रमेश सिंह की बुक पढ़ी है। तो ये जो इक्का दुक्का जो बुक्स हैं ना, ये केवल मैंने ये समझा कि एक जो सिविल से जो प्रश्न पुटअप किए जाते हैं सिविल परीक्षा में, जो भी प्रश्न रखे जाते हैं, केवल उनका एक जो ज्ञान या उनसे संबंधित जो भी एक नॉलेज हो उसको एक बांध दिया जाए। तो एक कंपाइल करने के लिए मैंने इन बुक्स को पढ़ा है और बहुत कम मैंने बुक्स पढ़ी हैं, केवल और केवल उन बुक्स को बार बार पढ़ा है। और जहाँ कहीं मुझे प्रॉब्लम जाती थी तो मैंने वहाँ लिख लिख के उनका जो है अध्ययन किया है। और करंट अफेयर्स के लिए मैं कहना चाहूँगा कि एक ओनली आईएएस करके एक साइट्स है और एक चैनल है, मैंने उसको सब्सक्राइब कर रखा था। तो जीएस के लिए मैंने प्रीलिम्स में देखा कि जो घटना चक्र पब्लिकेशन का जो पूर्वावलोकन आता है वो काफ़ी हद तक एक जो कंपाइल जो हमारा नॉलेज है उसका एक कंपाइल करने में काफ़ी एक कारगर भूमिका अपना निभाता है। तो एनसीईआरटी के बाद सीधा मैं घटना चक्र पर आता था और प्रीलिम्स के लिए, और मेंस के लिए जो था वो मैंने बुक्स आपको पहले बताई दी हैं, जैसे हिस्ट्री में एस के पांडे, ज्योग्राफी में महेश बर्णवाल और पॉलिटी में लक्ष्मीकांत, और इकोलॉजी में ब्लैक स्वान पब्लिकेशन की राग भरूचा, और इकोनॉमिक्स में रमेश सिंह। तो ये सारी बुक्स जो थी वो मेरे मेंस के लिए। और मेंस के लिए मैंने क्या देखा कि जो जो सिलेबस मेरा था तो इसको मैंने जो भी यूट्यूब चैनल, जैसे तमाम यूट्यूब पे वीडियो पड़े रहते हैं, सपोज़ करिए मुझे साइक्लोन समझना है तो साइक्लोन का मैंने जैसे यूट्यूब पे डाला, बहुत सारे हमें वीडियो निकल के आ गए तो उनको मैंने ठीक से पढ़ा। और मैं यूँ कहूँ कि मोस्टली जो मुझे चीज़ें समझ में नहीं आती थी उस पर मैं यूट्यूब का सहारा लिया करता था। तो मैं कहूँ कि टेक्नोलॉजी का भी मैंने एक पर्याप्त सहारा लिया है, और ख़ासकर ऐसे ऐसे एक्सपायरेंट, ऐसे परीक्षार्थी जो बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थान का सहारा नहीं ले सकते, वहाँ नहीं जा सकते किसी भी कारणवश, जैसे कि जो कुछ मेरे जैसे हैं जो कि जॉब करते हैं, एक पूरा दिन जो है उन्हें अपने ऑफिस में देना है, एक ईमानदारी से लगन से अपना काम करना है, और कुछ ऐसे भी परीक्षार्थी होते हैं जो गांव देहात में रहते हैं या उनके पास आर्थिक अक्षमता है, एक अभाव है, आर्थिक अभाव है,
या वो और भी विशेष कारण हो सकते हैं उन कारण जो दिल्ली प्रयागराज या फिर जो अच्छे अच्छे संस्थान हैं वहाँ जाके कोचिंग नहीं ले सकते, तो उनके लिए भी मैं कहूँगा कि आज वर्तमान में हर हाथ में एक फ़ोन लगभग पहुँच चुका है और डेटा है, डेटा भी पर्याप्त आसानी से उपलब्ध हो जाता है। तो आप जो भी ऐसे टॉपिक्स हों जो आपको क्लियर कट समझ में नहीं आ रहे हैं और बुक्स से आप सहारा ले रहे हैं फिर भी समझ में नहीं आ रहे, तो आप यूट्यूब के सहारे उनको देखें और पर्टिकुलर टॉपिक तैयार कर लें। तो मैं कहूं कि जो एक टॉपिक्स थे जहां जहां मुझे समझ में नहीं आता था तो वो मैंने इससे लगभग तैयार किए, यूट्यूब से तैयार किए। मेरे मित्र श्री पंकज पांडे जो कि देवरिया से थे, उनके पास मैंने हिंदी कुछ अच्छे नोट्स देखे, तो मैंने उनसे बात किया, तो उनसे एक फ़ोटोकॉपी मैंने करा लिया था। तो और इसके अलावा एक आदित्य पब्लिकेशन की एक बुक आती है जिसमें 20 से 25 साल पुराने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित जो विभिन्न परीक्षाएं होती हैं उनमें हिंदी के जो भी प्रश्न होते हैं उनका एक विधिवत एक व्यवस्थित उनका एक आंसर उसमें सॉल्यूशन दिए गए हैं, तो वो बुक काफ़ी अच्छी लगी हमें, तो हिंदी मैंने वहाँ से तैयार की। और ऐसे के लिए मैं कहूँगा कि जैसा जो मैं करेंट में पढ़ता था, जो ओनली IAS जो एक चैनल है, यूट्यूब चैनल है, मैं उससे जो पढ़ता था, तो मुझे किसी विषय पर जैसे कोई सामाजिक विषय है या फिर कोई जैसे साहित्यिक विषय है कुछ, उस पर कुछ अच्छे जो कुछ हमें कोट्स लगे कुछ अच्छा मिला, तो उसकी मैं एक डायरी अलग से बनाया था जो कि विशेषकर ऐसे निबंध के लिए ही मेरे लिए कारगर थी। और उसके बाद यूँ कहें कि संस्कृत विषय को लेके मैंने इस बार वर्ष 2018 वाले एग्ज़ाम में मैंने प्रैक्टिकल किया ऐसे में, जो कि ऐसे है कि उसमें से कुछ मैंने कोट्स निकाले संस्कृत से, जैसे कि जो कोर्स बहुत अच्छे थे, प्रेरणादायी थे और काफ़ी शिक्षाप्रद थे, जैसे कि जब बात कर्म की हो तो कर्मण्येवाधिकारस्ते का रस्ते माँ फलेषु कदाचन, अर्थात आप कर्म कीजिए, फल की इच्छा मत कीजिए, फल जो है ईश्वर आपके जो भी कर्म है उसके अनुसार देगा आपको। जब बात एक सत्य की हो तो सत्यमेव जयते, जब बात पर्यावरण की हो तो जीवो जीवम जीवते, इसका अर्थ है कि एक जीव से दूसरे जीव का जीवन है, अर्थात यदि पर्यावरण में यदि हम पेड़ों की रक्षा नहीं करेंगे, पेड़ों को बचा के नहीं रखेंगे तो हमारा भी जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा, निस्संदेह पेड़ों से ही हमारा जीवन है। जब बात आपके मातृभूमि की हो तो जननी जन्मभूमिश स्वर्गादपि गरीयसी, ऐसे ही मैंने बहुत सारे कोर्ट्स निकाले, करीबन मुझे लगता 15 से 20 कोर्ट्स जो यथास्थिति और यथोचित जिनका हम एक जिनको रख सकते थे अपने आंसर्स में और उनको डिफाइन भी कर सकते थे, मैंने कोट्स जो है ऐसे में डाले। जैसे कि बात अगर सामाजिक उत्थान में नारी उत्थान की हो तो यत्र नारेस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, तो मैंने ये देखा कि जहाँ जहाँ जो कोट्स मुझे संस्कृत के अच्छे लगे मैंने उनको यथास्थिति और यथोचित उन्हें रखा और उनको एक डिफाइन भी किया, तो मुझे ऐसा लगा कि ऐसे में शायद ये चीज़ें काफ़ी कारगर हुई हैं। तो ऐसे की रणनीति मैंने आपसे शेयर की है। और GS4 जो कि सामान्य GS1 GS2 GS3 GS4 GS4 पर मैं थोड़ा कहना चाहूँगा क्योंकि मैंने संस्कृत का कुछ प्रयोग GS4 में भी किया है। GS4 पेपर वो होता है जैसे हम एथिक्स बोलते हैं, तो एथिक्स में जनरली देखा जाता है कि जो नीति शास्त्र है, ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा है ना, या जो भी केस स्टडी आते हैं, तो मैंने उन सब में क्या देखा कि जो आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज है वो काफ़ी मायने रखती है, अपेक्षा जैसे आप बुक्स पढ़ते हैं, जैसे कि मैंने एक लेक्सिकॉन की बुक आती है, मैंने वो हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में है तो मैंने हिंदी की खरीदी थी चूँकि मैं हिंदी माध्यम से हूँ, तो मैंने उस बुक को भी पढ़ा, उससे जो भी डेफिनेशन थे उनको देखा समझा, लेकिन मैंने जो एक प्रैक्टिकल नॉलेज थी, जो प्रैक्टिकलिटी थी, मैंने वो आंसर्स में रखी है अपने। तो मैं यूँ कहूँ कि मैंने कुछ संस्कृत के कोट्स और मैंने एक छोटा सा काम और किया था कि जैसे जो हमारे महापुरुष हुए हैं जैसे कि महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती और बाबा साहेब अम्बेडकर और जैसे जो और भी महापुरुष हुए हैं, मैंने उनके लगभग चार से पाँच कोट्स प्रत्येक महापुरुष के मैंने एक सेलेक्ट किए। मुझे लगता है मैंने 25 से 30 कोट्स अच्छे से, जिनका एक सामाजिक दायरा हो, एक जिनका शैक्षणिक दायरा हो या फिर जिनका एक साहित्यिक दायरा हो, इस टाइप से मैंने उन्हें अलग अलग एक नोट डाउन किया अपनी डायरी में और उनको मैंने कंठस्थ कर लिया था और यथोचित जहाँ मुझे लगता था मैं उनका जिक्र कर देता था GS4 में। तो GS4 में मैंने दो एक्सपेरिमेंट खुद से किए थे कि एक तो जो है महापुरुषों के कोट्स रखना जो उनके ध्येय वाक्य हैं उनको यथोचित जगह देना और संस्कृत के भी यथास्थिति जिसको जो उचित लगता था मैं उसको रख देता था। तो कहने का मतलब हमारा ये रहा कि मैंने ज्ञान को केवल पुस्तकों भर से नहीं लिया है, जहाँ मुझे जो उचित लगा मैंने अपने स्तर से उस ज्ञान को मैंने अपनी कॉपी में डालने का, अपनी कॉपी में रखने का एक प्रयास किया है और एक कोशिश ये की है कि जो एक शब्द सीमा हो उसका भी दायरा ज़्यादा आगे मत जाए।
मैं एक चीज़ और जीएस 1, 2, 3 के लिए मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, मैंने इस बार कुछ जैसे जो भी उत्तर थे तो उनमें एक एक नवाचार, एक कुछ एक क्रियात्मक या जिसे कहें नवोन्मेषी कुछ मैंने बात की है। जैसे कि मैं डायग्राम थोड़ा बनाने में ज़्यादा मैंने इस बार जोर दिया है। डायग्राम से क्या होता है, जनरली जैसे सपोज़ करें किसी किसी भी विषय के कोई 4 भाग हैं, तो मैंने फट से एक कॉलम बनाया बड़ा सा और उसके 4 जो एरो दिखा के ऐसे ऐसे उन्हें जो है यथोचित रख दिया। इससे जनरली क्या होता कि जैसे जो भी चेक करने वाले हैं या जो भी टीचर चेक कर रहे हैं, तो एक उनको एक मोटा मोटा एक आइडिया ये मिलता है कि हाँ, जो भी ये परीक्षार्थी जो कहना चाह रहा है वो एकदम क्लियर कट है। उसके बाद मैंने उसके आगे जो भी डेफिनेशन थी, जो उसको डिफाइन करना था, मैंने उसके बाद वो किया। तो मैंने एक डायग्राम डालने की एक जो एक नई चीज़ थी वो मैंने खुद से की है, और मैं कई टॉपर्स को भी सुनता भी रहता था कि डायग्राम थोड़ा सा डालना उचित होगा, और डायग्राम मैंने बनाए हैं। और इसके अतिरिक्त मैंने जीएस 1, 2, 3, 4 चारों के लिए मैंने एक चीज़ और की है कि लगभग ये मान के चलें आपकी 1 से 1.5 हज़ार क्वेश्चन, लगभग मुझे लगता 1,000-1,200 क्वेश्चन जो कि थे, मैंने उन्हें लगभग लिखने का प्रयास किया। यदि मैं जो क्वेश्चन मुझे लगा कि इसमें डाउट ज़्यादा है तो मैं उसे पूरा लिखता था, लगा कि क्वेश्चन आसान है तो उसका केवल मेन मेन पार्ट लिख लिया। लेकिन मैंने लगभग कोशिश की है कि 800-1,200 क्वेश्चन लगभग ऐसे जो भी हों, 800 भी हो सकते, 1,000 भी हो सकते, 1,200 भी हो सकते, तो उन क्वेश्चन को मैंने लिखने का प्रयास किया। तो उन लिखने से क्या हुआ कि एक जो शब्दों को एक व्यवस्थित रखने का एक एक आर्ट है, एक उनकी कला है, एक तो वो डेवलप हुई। दूसरी चीज़ ये भी थी कि जो लिखते समय हम लोग जनरली अटकते हैं, या हमारा जो कलम हमारी जो कलम रुकती है, वो कलम ना रुके, मतलब शब्द एक प्रवाह जो है ना वो निरंतर रहे। तो मैंने इसके लिए जो है लेखन अपना जो है जो अनसॉल्व क्वेश्चन थे या सॉल्व क्वेश्चन थे, मैंने उन सबको समाहित किया। तो वो सारे क्वेश्चन मैंने तैयार किए और उन क्वेश्चन से मुझे काफ़ी हद तक लाभ हुआ। तो जो मेरा लिखना था और फिर ये परीक्षा के लिए स्पेशली लिखना था, पहले जो लिखते थे वो हम जनरली एनसीईआरटी क्वेश्चन से लिखते थे, लेकिन परीक्षा के 1-2 महीने पहले, 2-3 महीने पहले से केवल प्रश्न लिखते थे जो कि मॉडल हुआ करते थे, अनसॉल्व्ड थे, जो भी थे, उनको लिखने से एक फिर वो अपने ग्रुप में हम अपने साथियों के द्वारा जो है एक बार देख लिया करते थे, और खुद से एक बार उनका आंसर जो है निकाल के देखते थे। तो जहाँ जहाँ लगता था वहाँ खुद से संशोधन कर लिया करते थे। और मुझे लगता है कि आप जो चीज़ जो भी कार्य आप कर रहे हैं या जो भी आप लिख रहे हैं, ये आपसे बेहतर और कोई नहीं बता सकता है कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं। बशर्ते बात इतनी है कि आप अपने लिखे हुए को एक निष्पक्ष रूप से देखिए, आप ये मत देखिए कि ये मैंने लिखा है, आप निष्पक्ष रूप से देखिए, तो निश्चित रूप से कहाँ कहाँ कमियाँ हुई हैं, कहाँ कहाँ आपने गलती की है, वो आपको समझ में आ ही जाएगी। अब सबसे पहले मैं बात करूँगा प्रारंभिक परीक्षा की। जैसा कि आप लोगों को पता भी होगा कि इसमें 2 पेपर होते हैं, पहला जीएस का और दूसरा सीसेट का। जीएस मेन जो भूमिका होती है वो जीएस की होती है, सीसेट क्वालिफाई होता है, और थोड़ा सा ध्यान देके आप लोग उस पर काम कर सकते हैं, क्वालिफाई कर सकते हैं। तो अब हम जीएस की बात करते हैं प्रारंभिक परीक्षा में। तो इसमें यूपी में एक ट्रेंड होता है पास्ट ईयर क्वेश्चन को रिपीट करने का। तो इसके लिए आप लोग जो है मुख्यतः 3 चीज़ों पर काम हमने जो किया था, मतलब वो आप लोग भी कर सकते हैं। जैसे कि पास्ट ईयर क्वेश्चन को देखना, दूसरा जो है प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना, और तीसरा जो करंट अफेयर्स है। तो प्रैक्टिस सेट तो आप मार्केट में मतलब कहीं से आप टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं, या ऐसे ही प्राइवेट मतलब जो मार्केट में अवेलेबल रहती हैं उनको भी ले सकते हैं, आप अपनी सुविधा के अनुसार कोई भी कर सकते हैं, लेकिन करिए उसे। दूसरी बात होती है कि पास्ट ईयर क्वेश्चन जो होते हैं तो ऐसे आप ईयर वाइज खरीद सकते हैं, सेक्टर वाइज भी मिलते हैं, लेकिन हमने जो किया था वो घटना चक्र जो आती है उनकी प्रारंभिक परीक्षा के लिए आती है, लगभग 8-9 बुकें होती हैं, 7 या 8 बुकें होती हैं, उन पर हमने मैक्सिमम फोकस किया था। और उसके बाद क्वेश्चन जो प्रैक्टिस सेट होते हैं उन पे काम किया था। और सी सेट के लिए भी पास्ट ईयर क्वेश्चन पे आप ध्यान दे सकते हैं, उसके माध्यम से आपका वो मतलब जो मिनिमम मार्क्स हैं वो क्वालिफाई कर सकते हैं आप। और अब बात करते हैं मुख्य परीक्षा की। जैसे कि आपको पता होगा कि मुख्य परीक्षा ही मेन होती है, 1500 नंबर की होती है, 8 पेपर में डिवाइड होती है, जिसमें हिंदी ऐसे और 4 पेपर जीएस के, फिर ऑप्शनल, ये चीज़ें होती हैं। तो अब हम एक एक करके इन चीज़ों पे बात करते हैं। हम ऐसे और हिंदी को लेके बात करते हैं। एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, मैं 2015 से पीसीएस में मेंस दे रहा हूँ, बट इंटरव्यू हमारा जो हुआ था 2018 में, हमने पहला इंटरव्यू दिया था, और 2019 में मेरा मेंस नहीं क्लियर हुआ, और 2020 में मैं यहाँ पर पहुँचा।
तो 2015 के बाद चूँकि पहले यूपी पीसीएस का सिलेबस यूपीएससी से अलग था और मेरा जो मेन फोकस था वो यूपीएससी के तैयारी पर था, तो 2018 से जब तैयारी हुई मतलब दोनों का सिलेबस सेम हुआ तो मुझे एक एडवांटेज मिला वहाँ पे और उसके बाद मैं तैयारी को अपनी बेहतर कर पाया। यहाँ पे 2018 में भी मेरे जो नंबर थे वो एसए और हिंदी में उतने अच्छे नहीं थे, तो चूँकि एक अच्छा रैंक लाने के लिए आपको हर पेपर में काम करना होगा, अच्छा काम करना होगा, तो हमने हिंदी और एसए को बेहतर करने के लिए प्रज्ञा प्रवाह चैनल डॉक्टर सी एल त्रिपाठी जी के निर्देशन में होता है, मैंने उनसे उनके निर्देशन में काम किया और उनकी कई वीडियोज अवेलेबल हैं उनको उनसे सीख लेते हुए और तैयारी की। एसए के लिए और हिंदी के लिए मैं पास्ट ईयर जो क्वेश्चन पेपर हैं उन पे काम करना अच्छा समझता हूँ और एक एसए खासकर एसए में आपकी जो प्रैक्टिस होती है उसको बखूबी आप लोग कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने किया था, मैं हर संडे को एक या दो एसए लगा देता था और उसको लेके मैं फोकस करता था। एक कभी कभी आपको हो सकता है कि उबन हो, आप ना कर पाएँ बेहतर, तो इसके लिए आप ग्रुप में काम कर सकते हैं। जैसा कि हमने बताया कि तीन लोग हम विद्युतमा जी और मनमोहन भैया और शिवनाथ जी, तीन चार लोग ये मिलके, तो हम कोई टॉपिक चूज करते थे और कि हमें इस पे काम करना है, फिर हम लोग उसको एक दूसरे के ऐसे को एनालिसिस करते थे और उसके बाद एक दूसरे को सजेस्ट करते थे कि यहाँ पे हमें काम करना है, तो इससे हमें बड़ी सहायता मिली थी। अब हम आते हैं जीएस फर्स्ट पेपर में भूगोल, इतिहास और जो सोसाइटी है ये सब टॉपिक होते हैं। तो हमने इसके लिए जो सिलेबस है, सिलेबस के हर पॉइंट्स को अच्छे से मतलब अच्छे से उनको मेंशन किया, लिखा छोटे छोटे फॉर्म में उसको लिखा और उनको बार बार रिवाइज किया। कुछ रेफरल बुकें हैं, जैसे भूगोल के लिए हमने सविंद्र सिंह से टॉपिक चूज किया, सविंद्र सिंह की बुक से भौतिक भूगोल जो है उनका, उसे टॉपिक चूज किया। इतिहास के लिए कोचिंग के नोट्स थे, द काउंसिल कोचिंग से मैं जुड़ा रहा और वहाँ की नोट्स को हमने रिवाइज किया था। और उसके बाद प्रैक्टिस सेट पे काम करना बेहतर था, जैसे कुछ चीज़ें हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में हैं, इन चीज़ों के बारे में, तो मेनी डायमेंशन में आप इसमें यूपीएससी के क्वेश्चन पेपर का भी सहयोग ले सकते हैं। पास्ट ईयर क्वेश्चन जो हैं और मार्केट में अवेलेबल उनके सॉल्व भी हैं, अनसॉल्व भी हैं, तो उन पर प्रैक्टिस करना बेहतर कर सकते हैं। फिर हम आते हैं जीएस सेकंड पेपर पे। जीएस सेकंड पेपर में जैसा कि आपको मालूम है कि पॉलिटी और आईआर ये मुख्य पार्ट हैं उसके, तो पॉलिटी के लिए आप लक्ष्मीकांत को देख सकते हैं, अच्छी बुक है, या आप क्या बोलते हैं डीडी बसु को भी ले सकते हैं, लेकिन डीडी बसु थोड़ा टिपिकल पढ़ती है, लक्ष्मीकांत इजी बुक है, अच्छी बुक है, वहाँ से आप काम कर सकते हैं। हमने दोनों बुकें पढ़ी थी। और उसके बाद आईआर का जो पोर्शन होता है मुख्यतः करंट पे आधारित होता है, तो करंट घटनाओं के लिए हमने विजन की जो मंथली मैगजीन आती है उनको साथ में लिया था। और उसके बाद हम पास्ट ईयर क्वेश्चन को देखे, यूपीएससी के क्वेश्चन देखे और उसके बाद प्रैक्टिस करके यहाँ तक पहुँचा। दूसरी बात, आंसर राइटिंग में आप केवल पैराग्राफ में लिखेंगे या डायग्राम पे ज़्यादा फोकस करेंगे तो ये चीज़ें आपके लिए बेहतर नहीं होंगी, इनका एक उचित मिक्सचर होना चाहिए। आप डायग्राम में भी चीज़ों को रखें, अपनी बात रखें, और पैराग्राफ में भी रखें, ये चीज़ें ज़्यादा बेहतर होंगी। और पर क्वेश्चन को जैसे कि तीन पार्ट में होते हैं, एक इंट्रो होता है, मेन पार्ट होता है और कंक्लूजन होता है। तो इंट्रो में आप कोई भी एक घटना उठा सकते हैं, कुछ आर्टिकल उठा सकते हैं, जैसे भी मतलब जो उससे संबंधित चीज़ें हैं, मतलब अपने क्वेश्चन को अलग करने के लिए, ये सामान्य क्वेश्चन मतलब अन्य लोगों से आपको अलग करेंगे तो उसको कर सकते हैं। मेन पार्ट में ऐसा मतलब कुछ कर सकते हैं जो करंट की घटनाएं हैं या जो उससे संबंधित अन्य चीज़ें हैं, डाटा हैं, इनको यूज करिए। कंक्लूजन खास भूमिका रखता है, कंक्लूजन में आप जो है डाटा का यूज करें, जैसा कि और एक अपना सजेशन रखें, आपका क्या सजेशन है। SDG बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आपको सभी पेपर में काम आएगा। अब हम बात करते हैं इंटरव्यू की। तो इंटरव्यू में जैसा कि जो आपकी पहले की तैयारी है मेन चीज़ तो वो होती है, लेकिन इसमें आपका एक्सप्रेशन और जो बॉडी लैंग्वेज होता है वो चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। तो इसको आप डेवलप करने के लिए मॉक इंटरव्यू ले सकते हैं, चीज़ों को तैयार कर सकते हैं और अपने दोस्तों से इस पे बात करिए, जितना हो सके आप उनसे बात करिए। आप अपने अंदर की हिचकिचाहट को दूर करने के लिए आप शीशे का सहारा लीजिए, शीशे के सामने बैठिए,
खुद से बात करिए, ये सबसे बेहतर है इंटरव्यू को तैयार करने के लिए। आप जितना अच्छा वहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आपका इंटरव्यू एक्सप्रेशन वो आपका बेहतर करेगा। आप जब खुद से बात करते हैं सबसे अच्छा आप होंगे कि आप अपनी गलतियों को कैसे संभालते हैं। तो हमने मॉक इंटरव्यू भी दिया यहाँ प्रयागराज में, कई कोचिंगों में हमने मॉक इंटरव्यू भी दिया था, बट जो हमारा मेन फोकस था वो अपने को खुद को डेवलप करने पे। मैंने दोस्तों से बात की, शीशे के सामने बैठा, ये दो चीज़ें हमने की थी। अब हम ये तो हमारी तैयारी की बात रही, और कुछ मैं इससे अतिरिक्त भी बात करना चाहूँगा, जैसे कि जो कुछ भ्रांतियाँ हैं हिंदी मीडियम को लेकर। Pearson India's content and civil services is known for being the world class, and now they have launched books on Indian culture, art and heritage by renowned authors Devdutt Patnaik, an Indian polity authored by Sriram Srirangam or Sriram's IAS and Rohit Deo Jha. तो हिंदी मीडियम तो मतलब जैसे एक है भी, ऐसा चीज़ें दिख भी रही हैं कि इंग्लिश मीडियम के रिजल्ट इस समय बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, हिंदी मीडियम के कम। तो एक मतलब लोगों में ऐसा भ्रम भी हो चुका है हम लोगों में कि हिंदी मीडियम को मतलब बाइकाट किया जा रहा है या उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। एक समय तक मैं भी ऐसा सोचता रहा, लेकिन मुझे जो लगा, चूँकि हमने यहाँ पर एक अच्छी रैंक हासिल की है, तो मुझे जो लगा कि आप हिंदी मीडियम को कोसिए, इससे बेटर ये होगा कि आप अपनी कमियों को तलाशिए। हमने कमियों को तलाशा, चूँकि पहले मतलब किस कारण से हमारे रिजल्ट नहीं आ रहे हैं उनको अगर आप देखेंगे, उनमें कमी क्या रह रही है, आप इसके लिए टॉपर्स के जो सजेशन हैं उनको ले सकते हैं, आप UPSC के जो टॉपर्स की नोट्स हैं उनको पढ़ सकते हैं, अपने जो मित्र हैं उनसे एनालिस कर सकते हैं, या जो क्वालिफाई कर चुके हैं उनसे मिल सकते हैं कि वो कैसे पढ़ते हैं, किन चीज़ों पे काम करते हैं। तो इस चीज़ को लेके आप, तो मेरे अनुसार मीडियम का कोई भेदभाव नहीं है, बस ये चीज़ है कि आप बेहतर करेंगे तो नंबर बेहतर मिलेंगे आपको। तो हिंदी माध्यम में चयन का जो क्रक्स है वो तीन चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़, आपको 40 वर्ड पर मिनट की न्यूनतम स्पीड से लिखना है। इसके लिए अभी से ही आप लोगों को अपनी राइटिंग स्किल पर ध्यान देना है, राइटिंग स्पीड आप लोग सुधारें, राइटिंग स्पीड इम्प्रूव करने के साथ अच्छी लेखनी आपकी हो। इसके अलावा आपको अपने विषय पर गहरी समझ बनानी है, पॉइंट वाइज फॉर्मेट में आंसर लिखने हैं और लास्ट लाइन तक आपको आंसर लिखने हैं। तो हम लोग प्री की, मेरा माध्यम हिंदी है और वैकल्पिक विषय इतिहास है, तो हम लोग अगर प्री की बात करें तो प्री में इस समय सबसे कठिन हो गया है। कारण यह है कि वैकेंसीज एक तो कम है, दूसरी चीज़ इसमें 10 गुना ही केवल मेंस के लिए क्वालिफाई कर रहे हैं। तो आपको प्री के लिए 10,000 सवालों का कम से कम प्रैक्टिस करना है। इसके लिए आपको घटना चक्र की जो परीक्षा पूर्वावलोकन आती है उसको करना है, ध्येय IAS GS वर्ड और दृष्टि के टेस्ट सीरीज लगाने हैं। सिलेक्शन का रास्ता प्री में आपके इतिहास, विज्ञान और करंट अफेयर से खुलेगा। करंट अफेयर के लिए या तो आप गौरव गर्ग सर का स्टडी IQ का पेट करंट अफेयर ज्वाइन कर लें, या परीक्षा मंथन और घटना चक्र। परीक्षा मंथन हर 3 महीने पे आती है और घटना चक्र जब एग्जाम होने वाला होता है उसके ठीक पहले आती है। ये दोनों आप लोग मैगजीन करें और प्री में आप लोग खूब प्रैक्टिस करें और गेस लगाना सीखिए। मेंस के लिए आपको लास्ट लाइन तक लिखना है, और ये लास्ट लाइन तक लिखने के साथ साथ आप तभी लिख सकते हैं जब कि 40 वर्ड पर मिनट की स्पीड हो, पॉइंट वाइज फॉर्मेट में आंसर लिखने हैं। और हिंदी मीडियम में सफलता का रास्ता SC GS पेपर 1, GS पेपर 4 और ऑप्शनल से खुलेगा। SC के लिए आप लोगों को तीन SC PCS में लिखने होते हैं। पहला SC आपको स्टोरी टेलिंग से शुरू करना है। इसके लिए आप वृंदा कराद का डिवाइडेड सिटी एक SC है इंडियन एक्सप्रेस पे, उससे आप लोग देखिए कि कैसे स्टोरी टेलिंग से SC को लिखा जाता है। दूसरा SC आप लोग किसी कोटेशन से शुरू कीजिए, और कोटेशन के लिए अभी से आप लोग एक कॉपी बना लीजिए जिसमें आप कहीं पे भी आपको अच्छे कोटेशंस मिले, अच्छे फैक्ट मिले, कोई अच्छा तर्क मिले उसको नोट करते रहिए। तो एग्ज़ाम टाइम में आपके पास जब एक बहुत ही अच्छा कोटेशन की आप लोगों के पास कॉपी हो जाएगी जिसका आप लोग हर जगह इस्तेमाल करेंगे, GS पेपर 1 से लेकर के ऑप्शनल तक हर जगह कोटेशंस यूज हो सकते हैं। फिर इसके बाद तीसरा SC नॉर्मल स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करते हुए शुरू कीजिए।
जीएस पेपर वन, चूंकि मेरा इतिहास वैकल्पिक विषय था तो मुझको जीएस पेपर वन में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, लेकिन जीएस पेपर वन के लिए आपको हिस्ट्री जियोग्राफी, हिस्ट्री के लिए मणिकांत सर का नोट्स ले लीजिए, जियोग्राफी के लिए आप लोग परीक्षा माड़ी या जिस भी सोर्स को आप लोग रिफ़र करते हैं उसको फॉलो कीजिए। जीएस पेपर फोर में इस समय जीएस पेपर फोर यही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है हिंदी माध्यम में। इसके लिए आपको 40 पेज का नोट्स बनाना है जिसमें आप लोग जितने भी आप लोग टेस्ट सीरीज मेंस के टेस्ट सीरीज दें, चाहे ध्येय के, जीएस वर्ड के या दृष्टि के, इन सारे से एक 40 पेज का आप लोग डेफिनेशन का नोट्स बनाइए। इस डेफिनेशन के नोट्स को हर जगह आप लोग इस्तेमाल कीजिए, और इसके अलावा जो भी कोटेशंस हैं उनको एक्सप्लेन करना सीखिए, महापुरुषों के विचारों को जानिए, लास्ट लाइन तक आप लोगों को लिखना है, फिगर खूब सारे बनाने हैं तो फिगर बनाने के लिए आप लोगों को अस्मा मित्तल और हिमांशु जैन, ये दोनों लोगों का L2A पे लेक्चर पड़ा हुआ है, एंथ्रोपोलॉजी का है ये, लेकिन उससे आप लोग फिगर निकालिए। और घटना चक्र की बुक में भी काफ़ी सारे फिगर दिए हुए हैं तो वहाँ से फिगर निकाल करके आप लोगों को लास्ट लाइन तक फिगर बनाने हैं। तो सबसे पहले आप पहले आधे घंटे में जब आपको क्वेश्चन पेपर मिले उसके आधे घंटे में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 5 तक आधे घंटे 45 मिनट में कंप्लीट करिए। अगले 1.5 घंटे में आप लोग क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 20 तक करेंगे, फिर बचे हुए आधे घंटे में क्वेश्चन नंबर 5 से 9, और किसी भी कीमत के पास आपके पास करीब 10 मिनट का टाइम बच जाए जिससे आप लोग जो भी कमियां रह गई हैं उसको कहीं पे कोटेशन लिखना है, कहीं पे कुछ और डाटा ऐडअप करना है, ये सारी चीज़ें कर लीजिए। इसमें जो मेरा प्रयास था वो तीसरा प्रयास था, ये भी मैं आपके साथ आपको बता देती हूँ, तीसरे प्रयास में मुझे सफलता प्राप्त हुई है। अब अगर प्रारंभिक परीक्षा की बात की जाए तो प्रारंभिक परीक्षा में भी दो स्टेप होते हैं, एक होता है जनरल स्टडीज फर्स्ट का पेपर और दूसरा होता है जनरल स्टडीज 2 का पेपर, दोनों पेपर की अब तैयारी कैसे की जाए। ध्यान दीजिएगा, इनमें कुछ किताबें ऐसी हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगी जो हमारी मुख्य परीक्षा में भी हमारे लिए काम करेंगी और प्रीलिम्स में भी हमारे लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जैसे सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि इसमें कुछ सब्जेक्ट हैं, बेसिक सब्जेक्ट, मैं जनरल स्टडीज फर्स्ट की पहले आपके साथ बात कर रही हूँ। जनरल स्टडीज फर्स्ट में अगर देखा जाए तो इसमें कुछ ट्रेडिशनल सब्जेक्ट हैं जिनका मेन रोल रहता है प्रारंभिक परीक्षा में। इनमें हिस्ट्री में इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, अर्थशास्त्र, पर्यावरण, विज्ञान और इसके अलावा करंट अफेयर्स, ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और जो जनरल स्टडीज सेकेंड है उसमें कुछ हमारे टॉपिक रहते हैं जैसे कम्युनिकेशन हो गया, DI हो गया, DM हो गया, इसके अलावा रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश और मैथमेटिक्स, जिनकी मेन भूमिका रहती है। और अगर बुक्स की बात की जाए तो पूरी की पूरी जो तैयारी है वो NCERT 6 से 12 तक ही स्टार्ट करनी चाहिए, जो मैंने भी स्टार्ट की है। और इसके अलावा कुछ सभी सब्जेक्ट की कुछ बेसिक बुक्स, जैसे हिस्ट्री के लिए कुछ स्टूडेंट स्पेक्ट्रम की बुक भी फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा SK पांडे और विपिन चंद्रा, मैंने जो फॉलो की है वो SK पांडे और विपिन चंद्रा की बुक फॉलो की है, और महेश वर्णवाल, साथ ही साथ NCERT की बुक भूगोल के लिए, और उधर मिश्रा एंड पुरी की बुक अर्थशास्त्र के लिए। नेक्स्ट जो मेरा एनवायरनमेंट के लिए, मैंने SK ओझा की बुक और साथ ही शंकर IAS के, मतलब जो इंग्लिश में, मतलब जो नोट्स अवेलेबल हैं वो नोट्स को, उन नोट्स को मैंने फॉलो किया था। और करंट अफेयर्स की अगर बेसिकली बात की जाए तो करंट अफेयर्स के लिए मैंने पूरे ईयर कंटिन्यूसली 2 मैगजीन को फॉलो किया, जिनमें विजन IAS की मैगजीन रही और साथ ही साथ क्रॉनिकल की मैगजीन रही। और क्रॉनिकल की भी 2 मैगजीन हमारे पास अवेलेबल होती है, एक समसामयिक होती है जो 25 रुपये की आती है छोटी सी, इसके अलावा एक और होती है जो लगभग 100 रुपीज़ के आसपास होती है, जो मेंस और PT दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होती है। यहाँ बताने का केवल इतना तात्पर्य ताकि आप लोग अपने मेंस के नोट्स भी PT के नोट्स के साथ साथ बना सकें। इसके अलावा जो लास्ट ईयर के क्वेश्चंस हैं, उन लास्ट ईयर के क्वेश्चंस पर मैंने काफ़ी फोकस किया था, जैसे घटना चक्र के जो हमारे जितने भी वॉल्यूम हमारे पास अवेलेबल है, मैंने उन वॉल्यूम के माध्यम से लास्ट ईयर के सारे क्वेश्चंस रिवाइज किए थे। लास्ट ईयर के क्वेश्चंस रिवाइज करने का तात्पर्य ये है कि उससे क्या होता है कि हमारा एक तो कॉन्फिडेंस अप हो जाता है, साथ ही साथ हमें फ़ायदा ये मिलता है कि हमें पता चल जाता है कि किस तरह के क्वेश्चन एग्जामिनेशन हॉल में पूछे जा रहे हैं। मैं आपको केवल एक उदाहरण देना चाहूँगी प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर उत्तर प्रदेश PCS को फोकस किया जाए तो 2017 से अब तक के ट्रेंड को फॉलो कीजिए आप। 2017 में हमारे सामने जो पेपर था वो एकदम एनालिटिकल पेपर था, फिर जो 2018 का पेपर आया कुछ वो फैक्चुअल पेपर था, 2019 का पेपर अपने आप में एक स्टैंडर्ड पेपर था,
पूरी तरीके से एनालिटिकल पेपर था, और जो 2020 का पेपर था वो फैक्चुअल और एनालिटिकल दोनों का अपने आप में मिश्रण था। तो बस इतना कहूँगी कि आप लोग एनालिटिकल के साथ साथ फैक्चुअल पर भी कमांड रखिएगा, और फैक्चुअल पर कमांड तभी रहेगी जब हमारे बेसिक्स कवर होंगे, और बेसिक्स के साथ साथ जो हमने अपनी जो बुक्स होंगी उन बुक्स की स्टडी अच्छे से की होगी। ये एक छोटा सा ब्रीफ था, इसके अलावा जो मेरी बुक की पूरी बुक लिस्ट है वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, लिंक के माध्यम से आपके साथ शेयर कर दूंगी। ये मेरा जनरल स्टडीज फर्स्ट पेपर का था। अगर अब इसी में जनरल स्टडीज सेकंड पेपर की बात की जाए, जैसे इसमें कम्युनिकेशन की एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। देखिए, कम्युनिकेशन के मार्केट में कुछ नोट्स भी अवेलेबल है, कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट का मटेरियल है, जैसे दृष्टि IAS का देख लिया जाए या घटना चक्र का भी कुछ वॉल्यूम पड़ा हुआ है, वहाँ से हम कम्युनिकेशन कंप्लीट कर सकते हैं। चूँकि मेरा MBA में एक सब्जेक्ट रहा था तो मेरे लिए ईजी रहा था, लेकिन आप लोग अपने स्तर पर इसे जरूर कवर कर लीजिएगा। इसके अलावा हिंदी की चाहे आदित्य पब्लिकेशन की बुक से की जा सकती है, या हरदेव बहारी की बुक से हिंदी को कवर किया जा सकता है। बाकी वासुदेव नंदन की बुक भी हमारे पास अवेलेबल है। ये तीनों ही बुक अपने आप में काफ़ी अच्छी बुक है, जो प्रीलिम्स के में काफ़ी हेल्पफुल रहती है, नॉट इवन प्रीलिम्स बल्कि मेन्स में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और साथ ही मैथमेटिक्स के जो बेसिक्स हैं उन बेसिक्स को कवर कीजिएगा, और DI डिसीजन मेकिंग, कॉम्प्रीहेंशन, इन सब पर आप लोग कमांड रखिएगा। बाकी चूँकि जो उसमें इंग्लिश और हिंदी पूछी जाती है वो इतनी आसान होती है कि हमारा एक तो क्वालिफाइंग रहता है सेकंड पेपर, तो उसमें ज़्यादा मेजर रोल उसका नहीं रहता है, केवल बस हमें उसे क्वालिफाई करना होता है और वो इतने भर से हो जाता है। ये हमारा जो पहला चरण था, पहले चरण की ओवरऑल रणनीति थी हमारी। अब अगर बात करें हम दूसरे चरण की, दूसरा चरण हमारे लिए स्टेट PCS की परीक्षा में है, वो है मुख्य परीक्षा का। जब प्रारंभिक परीक्षा हमारी उत्तीर्ण हो जाती है तो उसके बाद सबसे ज़्यादा जो चुनौतीपूर्ण है वो चुनौतीपूर्ण है हमारे लिए मुख्य परीक्षा, क्योंकि एक तो 3 घंटे का टाइम पीरियड होता है, और उस 3 घंटे के टाइम पीरियड में हमें 20 क्वेश्चन लिखने होते हैं, और ये मान के चलिए आप लोग एग्जामिनेशन हॉल में अक्सर हमें वो पूरे 3 घंटे मिल भी नहीं पाते। मैं यही कहूँगी 2 घंटे 45 मिनट के आसपास का ही समय हमारे पास रहता है, चूँकि इवेल्युएशन बहुत सारी चीज़ों में हमारा समय चला जाता है। मेंस की तैयारी के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है आंसर राइटिंग। सबसे ज़्यादा फोकस आप करिएगा आंसर राइटिंग में। इसमें लास्ट ईयर के जितने भी पेपर हैं उन लास्ट ईयर के पेपर्स को आप सब्जेक्ट वाइज उठा लीजिएगा। पहले तो इससे पहले मैं सिलेबस की बात करूँ, उससे पहले मैं सब्जेक्ट वाइज पेपर्स की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि अब आंसर राइटिंग की भूमिका बढ़ चुकी है। लास्ट ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं, चाहे वो किसी स्टेट PCS में पूछे गए हैं या UPSC में पूछे गए हैं या किसी भी XYZ टेस्ट सीरीज में पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चन को आप लोग अपने स्तर पर जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट अगर बात करें गवर्नेंस की, तो गवर्नेंस हमारे पास 2 जगह हमें पढ़ने को मिलता है, क्योंकि एक तो हम लोग पढ़ते हैं एथिक्स में, क्योंकि एथिक्स में भी गवर्नेंस का एक बड़ा पार्ट रहता है। तो मैंने जो एथिक्स की मेरी बुकलेट थी और नोट्स से, वहाँ से मैंने इसके बेसिक टर्म्स को कवर किया था, इसके अलावा क्लास नोट्स से, और साथ ही साथ जो इसका अपडेशन था उसका अपडेशन मैंने विजन की और करंट अफेयर्स की अदर मैगजीन से कवर किया था। इसके अलावा अगर सामाजिक सुरक्षा की बात की जाए, चाहे वो वृद्धों से संबंधित हो, महिलाओं से संबंधित हो, या बच्चों से संबंधित हो, दिव्यांगजनों से, किसी से भी संबंधित जो हमारे टॉपिक उसमें दिए हुए हैं सामाजिक सुरक्षा के, उन सामाजिक सुरक्षा से संबंधित सभी टॉपिक को मैंने विजन करंट की मैगजीन से कवर किया था, अपने क्लास नोट से कवर किया था। और चूंकि मेरी आदत में है कि हर तथ्य को मैं नोट करती हूँ, चाहे वो सूचकांक को, रिपोर्ट्स हो, मैंने एक अपनी डायरी बनाई हुई है पर्सनल, उस पर्सनल डायरी में सभी को नोट करती हूँ, तो इसलिए गवर्नमेंट की जितनी स्कीम्स आती हैं उन सारी स्कीम्स को अपडेट करती रहती हूँ, और जहाँ आवश्यकता होती है उसी आवश्यकता के अनुसार आंसर राइटिंग में उन फैक्ट्स को यूज कर लिया जाता है। फिर अब ये तो 2 पेपर की हमारी स्ट्रेटेजी थी, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड की GS के जो रहे हैं। अब आती है बात थर्ड पेपर की। थर्ड पेपर में हमारे पास जो सबसे बड़ा सेगमेंट रहता है वो है इकोनॉमिक्स का। देखिए, इकोनॉमिक्स का के लिए मार्केट में बहुत सारी बुक अवेलेबल है, जैसे रमेश सिंह है, मिश्रा एंड पुरी है, लाल एंड लाल है, इसके अलावा बहुत सारे टीचर्स के नोट्स भी अवेलेबल है, लेकिन जो मैंने फॉलो किया वो मिश्रा एंड पुरी की बुक को किया था मैंने फॉलो, क्योंकि मेरा इकोनॉमिक्स मेरा बैकग्राउंड भी रहा है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी उसमें इतनी ज़्यादा। इसके अलावा जो मैंने ज़्यादा उसके ऊपर फोकस किया बेसिक्स उसके कंसेप्ट क्लियर करने के बाद,
मैंने उसमें करंट अफेयर्स के मुद्दों पर ज़्यादा फोकस किया था। फॉर एग्जांपल अगर हमारे करंट अफेयर्स पर हमारी कमांड होगी तो हमारा डाटा बहुत अच्छा तैयार होगा, और इकोनॉमिक्स में जो सबसे ज़्यादा रोल होता है वो सबसे ज़्यादा रोल डाटा का होता है, और अगर डाटा हमारे पास होगा तो उतने ही अच्छे तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। मैं एक उदाहरण केवल बताना चाहूँगी, एक बार UPPCS ने मेंस में प्रश्न पूछा था थर्ड पेपर में ही, जो सतत विकास लक्ष्य हैं हमारे, उन सतत विकास लक्ष्यों को लेकर प्रश्न पूछा था, तो 17 सतत विकास लक्ष्य, चाहे वो उत्तर प्रदेश सरकार उन्हें मतलब कैसे प्रमोट कर रही है, उनमें उत्तर प्रदेश सरकार का क्या स्थान है, भारत सरकार का उनमें क्या स्थान है, तो इन सब का उनको के बारे में मैंने डिटेल में तैयार किया था, और उन सब का मैंने कहीं ना कहीं अपने हर क्वेश्चंस में मैंने यूज भी किया है, 17 सतत विकास लक्ष्य का और गवर्नमेंट की सारी रिपोर्ट्स का, इवन बजट के सेक्शन का, आर्थिक समीक्षा का, इन सारी चीज़ों का। नेक्स्ट जो रहेगा इसमें पार्ट वो है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये हमारा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, जो साइंस टेक का जो पोर्शन रहता है, विज्ञान प्रौद्योगिकी के लिए मैंने अशोक सिंह की बुक को फॉलो किया था, और साथ ही साथ करंट अफेयर्स की जो मैगजीन है, करंट अफेयर्स की मैगजीन से मैंने अपने बेसिक टर्म्स क्लियर किए थे, और बेसिक टर्म्स क्लियर करते हुए उसके नोट्स बनाए थे, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। नेक्स्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अपने आप में एक छोटा सा टॉपिक है, लेकिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, कई बार इससे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो इसमें भी मैंने अपने क्लास नोट्स प्लस जो भी मेरा करंट की जो विजन की मैगजीन थी उनसे मैंने अपने नोट्स बनाए थे, जो इसमें मतलब महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट इसमें एक और टॉपिक है, वो है इंटरनल सिक्योरिटी का। इंटरनल सिक्योरिटी भी मैंने मतलब करंट की मैगजीन से ही अपना कवर किया था, और साथ ही साथ आशीर्वाद सर के नोट्स से और अपने क्लास नोट्स, इन सब से मैंने अपना कवर किया था। ये तीन पेपर की जो रणनीति थी, इसके अलावा एक उत्तर प्रदेश स्पेशल का, जिसका फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर और थर्ड पेपर अपने में, तीनों में ही अपने आप में मेजर रोल रहता है, चाहे वो इतिहास के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, सोसाइटी के हो, या मतलब राजनीति के हो, सभी स्तर पर, इवन इकोनॉमी, इन सभी को मैंने तैयार किया था। इसके लिए मैंने अलग से नोट्स तैयार किए थे, जिसके लिए मैंने परीक्षा वाणी की हेल्प ली थी, और साथ ही साथ मैंने जो हेल्प ली थी वो थी घटना चक्र की, जो एक उत्तर प्रदेश स्पेशल का जो घटना चक्र आता है वहाँ से मैंने हेल्प ली थी, और अपने पर्सनल नोट्स तैयार किए थे, किसी मार्केट के किसी नोट से मैंने अपनी स्ट्रेटजी तैयार नहीं की थी। और अगर एनवायरनमेंट की बात की जाए, एनवायरनमेंट को मैंने इग्नू के बुकलेट्स, सबसे पहले तो मैंने इग्नू के बुकलेट्स ही पढ़े थे, फिर उसके बाद भरूचा की बुक भी पढ़ी थी, फिर बाद में जो मैंने मेन जो अपने कंसेप्ट क्लियर किए हैं वो मैंने परीक्षा वाणी और शंकर IAS के नोट्स पढ़कर, और साथ ही साथ अपने जो वर्तमान में जो करंट अफेयर से रिलेटेड जो भी मुद्दे चल रहे हैं उनके अपने सेल्फ नोट्स बनाए थे, वहाँ से मैंने अपना कवर किया है। ये तीन पेपर की GS फर्स्ट, सेकंड और थर्ड की हमारी स्ट्रेटजी है। अब हम बात करते हैं GS के फोर्थ पेपर की। GS का फोर्थ पेपर आप सभी को पता है, इसमें एथिक्स हमें डिस्कस करना है, क्योंकि इसमें एथिक्स के साथ साथ, एथिक्स के क्वेश्चन आंसर के साथ साथ केस स्टडी की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। केस स्टडी तो मैंने उत्तर प्रदेश PCS के लिए जो लास्ट ईयर के UPSC के क्वेश्चन हैं, जो 2012 से जो पैटर्न चेंज होने के बाद जो पूछे गए हैं, उन सारी केस स्टडी को मैंने एक बार उनकी प्रैक्टिस की थी। साथ ही मैंने एथिक्स में जो बेसिक टर्म्स हैं उन बेसिक टर्म्स को क्लियर किया था, और टर्म्स को क्लियर करने के बाद मैंने उन्हें अपने शब्दों में मतलब डिफाइन करने का प्रयास किया था, ना कि किसी बुक किस लैंग्वेज में, क्योंकि बुक किस लैंग्वेज कभी एग्जामिनेशन हॉल में जा ही नहीं पाती। और साथ ही साथ जो सबसे ज़्यादा मैंने फोकस किया था, वो फोकस किया था एग्जाम्पल्स के ऊपर, कि किसी भी डेफिनेशन को बताने के बाद उस डेफिनेशन का उदाहरण जरूर बताया जाए। और ध्यान दीजिएगा, कोशिश करिएगा कि कोई लेटेस्ट ही उदाहरण रखिए, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे उदाहरण है। यूपी लोक सेवा आयोग में नौकरी पाने का सुनहरा अवसर, पढ़े भारत के टॉप एजुकेटर्स के साथ, और पाए कंप्लीट स्टडी मटेरियल एक ही ऐप पर, डाउनलोड एंट्री नाउ। अब हम बात करते हैं फोर्थ पेपर की स्ट्रेटेजी की। फोर्थ पेपर आप सभी को पता है, जैसे एथिक्स का पेपर है, एथिक्स के पेपर में क्या रहता है कि इसमें क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, साथ ही साथ केस स्टडी भी पूछी जाती है। जो केस स्टडी है वो मैंने 2012 से जो पैटर्न चेंज हुआ है UPSC का, उसके बाद जितनी भी केस स्टडी पूछी गई है उन सारी केस स्टडी को मैंने प्रैक्टिस किया था मैक्सिमम टाइम्स। इसके अलावा चाहे वो कोचिंग इंस्टीट्यूट के टेस्ट सीरीज में पूछी गई हैं, उन सबको भी मैंने प्रैक्टिस किया था। अब अगर क्वेश्चंस की बात की जाए, तो इसके लिए मैंने पहले तो
अपने किताबों से, यानी कि जो लेक्सिकन की बुक है, लेक्सिकन की बुक को मैंने एक रेफरेंस बुक के रूप में रखा था, साथ ही साथ मेरे जो क्लास नोट्स थे अभ्यसर के नोट्स और जो मेरे पर्सनल बनाए हुए नोट्स थे, उन नोट्स से मैंने अपनी जो बेसिक शब्दावलियाँ हैं जैसे सत्यनिष्ठा क्या है, इन शब्दावलियों को मैंने क्लियर किया और फिर उन्हें अपने शब्दों में अपने नोट्स बनाए उनके। और फिर सबसे ज़्यादा जो इसमें मैंने ध्यान दिया वो था उदाहरण के ऊपर, यानी कि कोई भी अगर सत्यनिष्ठा से रिलेटेड कोई प्रश्न पूछ लिया जाता है तो उसके ऊपर मेरे पास कम से कम 2-3 एग्जाम्पल तैयार रहे। और मैंने एग्जाम्पल कोई पुराने एग्जाम्पल्स का कोई यूज़ नहीं किया। वर्तमान में जो IAS ऑफिसर्स के द्वारा जो काम किए जा रहे हैं, सरकार के द्वारा जो काम किए जा रहे हैं, इतनी सारी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जिनमें हमें बड़े बड़े उदाहरण देखने को मिलते हैं, तो उन्हीं उदाहरण को मैंने वर्तमान में यूज किया था। जैसे मैं एक एग्जाम्पल के रूप में भी बताना चाहूँगी कि एक IAS ऑफिसर है जिन्होंने एक स्कीम चलाई थी तेरे मेरे बीच में, ऑपरेशन सुलेमानी, तो इन स्कीम्स को मैंने बेसिकली मतलब अपनी आंसर राइटिंग में भी यूज़ किया है। ये हमारा फोर्थ पेपर है और फोर्थ पेपर में मैं यही कहूँगी कि आपके बेसिक टर्म्स क्लियर होने चाहिए, तभी फोर्थ पेपर को आप अच्छे से मतलब समराइज वे में लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर पूरे GS में जो मैं सबसे ज़्यादा आप लोगों को कहना चाहूँगी वो यही है कि आंसर राइटिंग आंसर राइटिंग आंसर राइटिंग, सबसे ज़्यादा आंसर राइटिंग के ऊपर फोकस कीजिएगा। और आपकी डाटा पर कमांड होनी चाहिए, आपको एक डाटा 3-4 तरीके से यूज करना आना चाहिए। जैसे उदाहरण के रूप में ऑक्सफॉर्म एक इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट है जिसमें बताया गया है कि 3% लोगों के पास इतनी संपत्ति है, 3% लोगों के पास इतनी संपत्ति है, तो ये एक ऐसी रिपोर्ट, ऐसा डाटा है जिसे हम हर जगह यूज कर सकते हैं, फर्स्ट पेपर में भी, सेकेंड पेपर में भी, थर्ड पेपर में भी और इवन फोर्थ पेपर में भी। तो यही है मतलब लेखन शैली की सुंदरता, यही है कि एक फैक्ट को कई तरीके से यूज करना हमें आना चाहिए। तो आप आंसर राइटिंग पर और प्रैक्टिस पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करिएगा ताकि वो जो 3 घंटे का टाइम है उस 3 घंटे के टाइम में कंफर्टेबल महसूस करें।